इधर ये तुम्हारा मियां ना सिर्फ बातें बना सकता है और कुछ नहीं कर सकता। अब अमार ने भी ना जवाब दे दिया। कैसा जवाब? असल में ना अबरार चाह रहे थे कि वो जानती हूँ मैं क्या चाह रहा था अबरार। अब भाभी जान, अब कारोबार करना कोई बुरी बात तो नहीं है ना। कितने पैसे मांगे अमार से? यही तो मसला है, ठेंगा दिखा दिया उसने। अच्छा तुम फिक्र मत करो, अमार की चाबी ना मेरे पास है। अमार चाबी से चलता है? नहीं, वो शहजादी घर पे नहीं है। खाना कौन बना रहा है? आप बना लेना बड़े मामा। तो तुम दोनों क्या कर रही हो? मैं और भाभी जान कुछ अहम बात डिस्कस कर रहे हैं। जानता हूँ कौन सी अहम बातें चल रही हैं। जब से अमार घर आया है पूरे घर वाले अहम बातें ही कर रहे हैं। बाहर बेल बज रही है, सुनाई दे रहा है आपको? बहरे नहीं है हम, सुन लिए जा रहे हैं। बेल बज रही है। बड़ी आप आई होंगी, मैंने फोन करके बुलाया था। शाबाश, तुम्हें पता है वही तो चाबी है। चलो चलो आओ जरा। अब बताओ सच सच, क्या बात करने के लिए बुलाया मुझे? अब आपा, वो हमने सुना है कि अम्मार इस बार पाकिस्तान शादी करने के लिए आए। अच्छा, ये किसने कह दिया तुम दोनों को? अरे आपा, आप ही तो उस दिन कह रही थी कि इस बार अम्मार को शादी किए बिना वापस नहीं जाने दूंगी मैं। और वैसे भी अम्मार तो बड़ी आपा को अपनी सगी माँ जैसा ही समझते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अम्मार पाकिस्तान गवर्नमेंट के बुलावे पे आया है कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि मीटिंग अटेंड करके रुकेगा या वापस चला जाएगा। नहीं नहीं, पूरा प्रोजेक्ट करके जाएगा, हमें खुद बताया उसने। आपा मैं तो कहती हूँ इस बार ना अमार की शादी नहीं तो कम से कम मंगनी करा के भेजिएगा। करवा तो दें, लेकिन एक घर में दो बहनों की शादी करना अच्छा शगुन नहीं होता। हमारी अम्मा मरहूमा कहा करती थी, अल्लाह बख्शे। आप क्या शहजादी की बात कर रही हैं? और किसकी बात करूंगी, शहजादी के अलावा किसकी शादी हो सकती है अम्मार के साथ? सारा, हमारी सारा अब बड़ी हो गई है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया उसने। जी, सारा की शादी? अम्मार के साथ सारा की शादी? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम दोनों का? हद होती है, इतनी छोटी बच्ची है, अभी अभी इंटर किया है उसने, अम्मार से शादी कराने चली है। बड़ी आपा, आपके भाई ना सारा के लिए बहुत परेशान है। क्यों, खुदा ना खास्ता कोई बीमारी लग गई उसे? अल्लाह ना करे आपा, कैसी बातें कर रही हैं आप। वो बेटियों की शादी जितनी जल्दी कर दें उतना ही अच्छा होता है। जी जी नहीं, शादी से पहले बेटियों को अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई मुकम्मल करनी चाहिए। लेकिन आपा, आपने तो अपनी बच्चियों की शादी जल्दी कर दी थी। खुदा का खौफ करो बड़ी दुल्हन, मेरी दोनों बेटियों की शादी तालीम मुकम्मल करने के बाद हुई थी। तो हम कब कह रहे हैं कि शादी कर दें? अभी पहले बात पक्की कर लेते हैं, सारा की पढ़ाई के बाद शादी कर देंगे। हाँ, हद होती है बस। मुझे अगर पता होता ना कि तुम लोगों ने ये बात करने के लिए मुझे बुलाया तो मैं आती ही नहीं कभी। देखिए शहजादी हाउस तीस से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।